गुरुग्राम पुलिस से लंबे अरसे से आंख मिचोली का खेल खेल रहा इनामी बदमाश गिरिराज अब सलाखों के पीछे है। इस 50,000 के इनामी बदमाश पर हत्या, लूटपाट और झपटमारी सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी हत्या के एक मामले में पैरोल पर बाहर आने के बाद पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। बहुत ही मोस्ट वांटेड अपराधी जिसका नाम गिरिराज सुनाम खुशी राम आरव मोहम्मदपुर गुड़गांव है, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मैं आपको बता दूं, गिरिराज एक पुराना अपराधी है जिसने क्राइम की दुनिया में काफ़ी सालों से एक्टिव था और इससे पहले ये अलग अलग मुकदमे गिरफ्तार हो चुका था और गिरफ्तारी के उपरांत एक मर्डर के केस में इसको जीवन कैद की उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, जिसके चलते ये लगातार जेल में था। अभी फरवरी के महीने में ये पैरोल पे वापस बाहर आया था और पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इससे पहले जिस दुश्मनी के चलते इनको कैद हुई थी उसी दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 4 मार्च 2018 को प्रवेश भाटी सुनभ भीम सिंह भाटी का सेक्टर 4, जो कि सेक्टर 4 का निवासी है, उसकी गोली मारकर अपने साथियों के साथ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी। उसके बाद ये केस पुलिस थाने से लेकर क्राइम ब्रांच को दिया गया था और क्राइम ब्रांच को देने के बाद अब इंस्पेक्टर नरेश की टीम ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस शख्स के पास से 2 देशी कट्टे बरामद किए हैं। हरियाणा पुलिस ने गिरिराज की गिरफ्तारी के बाद इसके गैंग के 2 अन्य साथियों की अब सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। अपने सहयोगी मनु मेहता के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, गुरुग्राम।